यह तीन बातें किसी को मत बताइए, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अन्य महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके जो गोल्स है या आपके जो इरादे हैं, आपके जो प्लान्स है, वह लोगों को नहीं बताना चाहिए। कौन से लोगों को? जो लोग निगेटिव है, जो लोग आपका पैर खींचते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। देखो, जो लोग आपको प्रोत्साहन देते हैं, जो आपका कोच है, जो लोग आपको प्रोत्साहन देते हैं, जो आपके कोच है, जो आपके पॉजिटिव बोलने वाले रिलेटिव्स है, उनको जरूर बातें बताइए, अनाउंस कीजिए, डिक्लेयर करो कि मैं ये करने वाला हूँ। मगर जो लोग आपके पैर खींचने वाले हैं, निगेटिव, अरे नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, तो वो लोगों को अपने गोल्स, अपने प्लान्स मत बताइए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो रहते हैं आपके करीब के, ऐसा आपको लगता है, मगर एक्चुअली आपसे जलते हैं। और जैसे ही आप आपके गोल्स और ये इरादे आप लोगों को बता देते हैं, प्लान बताते हैं, तो उसका उल्टा प्रचार करेंगे, आपको कैसी तकलीफ आएंगी उसमें वो देखेंगे। तो इसलिए आपके जो गोल्स है, आपके जो प्लान्स हैं, वो सभी को बताना चालू मत करो। सिलेक्टेड करो, सिलेक्टिव लोगों को बताओ जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। नंबर दो, आपने जो अच्छे काम किए उसके बारे में लोगों को मत बताओ। अभी देखो, ये दोनों बातें, मतलब इसके डबल एज है। अच्छे काम लोगों को बताना चाहिए ताकि लोगों को स्फूर्ति मिलेगी, मगर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि आपने जो अच्छे काम किए आपके ऊपर जलेंगे, आपके बारे में गॉसिपिंग करेंगे, आपके बारे में बुरे बुरे बोलेंगे, इसने तो क्या नंबर दो के पैसे कमाए इसलिए दान दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी बोलेंगे। तो आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो लोगों को मत बताओ, लोगों को आप ही आप मालूम हो जाएंगे आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो दान धर्म कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपना ही जोर का बैंड मत बजाओ या उसकी पुंगी मत बजाओ। लाउड स्पीकर से मत बताओ कि मैंने ये लोगों को अच्छा काम किया, ये लोगों को मदद किया, ऐसा मत बताओ। उसमें जो लोग निगेटिव हैं वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो आपसे जलन करते हैं वो आपसे प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो आपके विरोध में है वो आपसे प्रॉब्लम करेंगे। नंबर तीन, आपके जो सीक्रेट्स है, रहस्य, जो आपने किसी को बताना नहीं चाहिए, वो किसी को मत बताओ। सचमुच आपको लगता है कि नहीं, ये करीब दोस्त है, मैंने इसको बता दिया तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा एम्प्लॉई है, इसको मैंने बताया तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कभी मत करो। ये सीक्रेट्स आपने किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आज वो आपका करीब दोस्त है, मगर हो सकता है कि कल वो आपसे दूर निकल जाएगा। और क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाले वही लोग होते हैं जो पहले आपके करीब पर रहते हैं, क्योंकि उनको आपके सीक्रेट्स मालूम रहते हैं, वही बाहर जाके आपको तकलीफ देते हैं। तो डेफिनेटली जो आपके करीब के लोग हैं उनको बाहर जाने का रास्ता बताने के पहले उनको कंप्लीट करो, उनके साथ में अच्छी बातचीत रखो, कंप्लीट करके अच्छे संबंध रख के उनको रवाना करो। और नंबर एक महत्व का जो है वो है कि लोगों को सीक्रेट्स मत बताओ, अपने पास में रहने दो। बहुत बड़ा, बहुत कभी कभी काम होता है, जैसे अभी मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, उनकी शादी हुई थी, महीना दो महीने हो गए। और होता क्या है, शादी के पहले दो महीने में बहुत ही प्रेम प्रेम से बात होती है, रंगीले दिन रहते हैं, फिर बताओ तुम्हारा कुछ था क्या वगैरह वगैरह, वो औरत पूछती है, आदमी भी पूछता है लड़का लड़की से कि तेरा कुछ था क्या वगैरह। और वो आदमी ने बोल दिया, हाँ मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ में मेरे अच्छे संबंध थे वगैरह वगैरह, उसने बोल दिया, मगर बाकी कुछ नहीं था, बस उतना वो लड़की ने सुन लिया। और उस दिन से वो इतनी उससे झगड़ना चालू कर दिया कि तुम्हारा संबंध होगा, तुम किससे बात करते होंगे, बताओ फ़ोन किससे कॉल किया, क्या क्या, मतलब पहले से ही वो जरा शिकले स्वभाव की थी, अब उसने बोल दिया कि मेरा एक लड़की के साथ में था अफेयर। तो उनका यहाँ तक आ गया है कि अभी ये जो दो महीने में ही, शादी के दो महीने में ही तलाक लेने की नौबत आ गई। तो ये जो बातें हैं तो डेफिनेटली शादी के बाद में भी ये बोलनी नहीं चाहिए, प्यार में आके भी नहीं बोलनी चाहिए। चाणक्य नीति है ये, और यह आपके व्यवहार में, आपके जीवन में लाते तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
या ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।